दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक टीवी सीरियल में अभिनेत्रियां ना सिर्फ पति पत्नी बल्कि देवरानी, जेठानी और सगी बहनों का किरदार भी बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती हैं और सभी दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट करती हैं। जिनमें से कुछ देवरानी जेठानी की जोड़ी की तो दर्शक तारीफ करते थकते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं टीवी सीरियल में देवरानी जेठानी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की जोड़ी है सबसे बेस्ट और दर्शक किसकी बॉन्डिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन अभिनेत्रियों के देवरानी जेठानी के बॉन्डिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करें और जानें टीवी सीरियल में नजर आ रही देवरानी जेठानी की जोड़ी में से किस अभिनेत्री की जोड़ी है सबसे बेस्ट। नंबर 8, राधिका मुथुकुमार और तान्या शर्मा। इस लिस्ट की 8वीं कड़ी में राधिका मुथुकुमार और तान्या शर्मा का नाम शुमार है, जो ससुराल सिमर का सीजन 2 में देवरानी जेठानी का किरदार निभा रही हैं। साथ ही दोनों सीरियल में सगी बहनें भी हैं, पर इसके बावजूद इन दोनों के बीच कुछ खास बॉन्डिंग नहीं है, जिस वजह से ये दोनों नंबर 8 पर शुमार हैं। नंबर 7, निधि शाह और अंगा भोसले। अब बात करते हैं अनुपमा सीरियल में किंजल का किरदार निभाने वाली निधि शाह और नंदिनी की भूमिका अदा करने वाली अंगा भोसले के बारे में, जो बहुत ही जल्द एक दूसरे की देवरानी जेठानी बनने वाली हैं और ये दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा सोचती हैं और हर सुख दुख में साथ देती हैं, तभी तो ये जोड़ी नंबर 7 पर शुमार है। नंबर 6, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह। इस लिस्ट के 6ठी कड़ी में ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह का नाम शुमार है, जो गुम है किसी के प्यार में सई और पाखी की भूमिका अदा करती हुई नजर आ रही हैं और ये दोनों भी इस शो में देवरानी जेठानी हैं। पर आपको बता दें, इन दोनों के बीच कुछ खास बॉन्डिंग नहीं है और ये ना ही एक दूसरे के सुख दुख में खड़ी होती हैं, जिस वजह से ये जोड़ी नंबर 6 पर है। नंबर 5, रूही चतुर्वेदी और श्रद्धा आर्या। इस लिस्ट की 5वीं कड़ी में रूही चतुर्वेदी और श्रद्धा आर्या का नाम शुमार है, जो कुंडली भाग्य सीरियल में एक दूसरे की देवरानी जेठानी हैं। जी हाँ, श्रद्धा आर्या रूही चतुर्वेदी यानी कि शर्लिन की देवरानी हैं और सभी के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं, पर शर्लिन के साथ प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्या की जरा भी नहीं जमती है और इन दोनों के बीच हमेशा बिना किसी बात के ही बहस होती रहती है, तभी तो ये देवरानी जेठानी बेस्ट जोड़ी नहीं है। नंबर 4, प्रणाली राठौर और निशा नागपाल। इस कड़ी में अभिनेत्री प्रणाली राठौर और निशा नागपाल का नाम शुमार है, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अक्षरा और शेफाली बिरला की भूमिका अदा करती हुई नजर आ रही हैं। ये दोनों भी बहुत ही जल्द एक दूसरे की देवरानी जेठानी बनने वाली हैं। आपको बता दें, भले ही इन दोनों के ज्यादा सीन नहीं है, पर ये दोनों एक दूसरे की वेलविशर हैं। नंबर 3, शाइनी दोषी और एलिस कौशिक। इस लिस्ट की 3री कड़ी में शाइनी दोषी और एलिस कौशिक का नाम शुमार है, जो पंड्या स्टोर सीरियल में एक दूसरे की देवरानी जेठानी लगती हैं और एक दूसरे के साथ सगी बहनों जैसा रिश्ता शेयर करती हैं। नंबर 2, एलिस कौशिक और सिमरन बुद्धारूप। अब बात करते हैं एलिस कौशिक और सिमरन बुद्धारूप के बारे में, जो पंड्या स्टोर सीरियल में अपने किरदार को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतार रही हैं और ये दोनों सीरियल में रिश्ते में एक दूसरे की देवरानी और जेठानी लगती हैं, जिनके बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता देखने को मिलता है। नंबर 1, आशीष सिंह और रियंका चंदा। जी हाँ, आशीष सिंह और रियंका चंदा मीत सीरियल में एक अच्छी देवरानी जेठानी का किरदार निभा रही हैं और सभी दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही हैं, तभी तो ये जोड़ी बेस्ट कही जाती है, जिनकी इसी बॉन्डिंग ने इन्हें इस लिस्ट के नंबर 1 की पोजीशन दिलाई है। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की देवरानी जेठानी का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है? आप हमें उस अभिनेत्री का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।